हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो फिर से आप एक की नए वीडियो पर स्वागत है। तो गाइस, मैं फाइनली अभी रंग डिक्की मोर के ऑपोजिट में दिख सकते हैं, जो कि हमारे कलाम चाक की यार्ड में है। तो गाइस, मैं थोड़ा सा व्यू लेने के लिए आए हुए कि थोड़ा सा दिखते हैं कि क्या नज़ारा है। तो कहीं ना कहीं गाइस गाड़ी पड़े हुए, फेरी वाले सब है इधर उधर, अपने सभी काम में पड़े हुए, नहा सुना रहे जो भी है। और यहाँ बाकी तो दिख रहे गाइस, इधर सद्दाम बैठा हुआ। तो चलो सद्दाम से मिल लिए, आप सद्दाम को ले करके हम यही बहाने हम भी अपने साइड की ओर चले जाएंगे गाइस। तो आप लोगों के बीच में बने हुए रहते हैं गाइस की दिखने और दिखाने के काम में। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करने ना भूलिएगा। इस तरह का वीडियो आपके बीच में मिलते रहेंगे। और गाइस, मैं आप सभी को मैं थोड़ा सा अपने झारखंड की हरियाली की ओर मैं थोड़ा व्यू दिखाना चाहता हूँ। दिख सकते हैं गाइस, जो कि बहुत ही सुंदर वातावरण है कि सब जगह में आने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा, पता नहीं क्या है। तो ऐसा हवा है, वातावरण इतना ठंडी सा महसूस लगेगा गाइस कि दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बने हुए रहते हैं दिखने और दिखाने के कार्य में। तो आप लोगों का ऑडियंसों का सपोर्ट है तो चलते रहते हैं गाइस में दिखाने के कार्य में। और आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी है जो कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आते हैं। मेरा नाम सबान अंसारी है, गोविंदपुर गडारा से ब्लॉगिंग करते हैं। और मेरा नया मिनी लाइफस्टाइल ब्लॉग चैनल में जो कि हम अपना प्रयास में लगे हुए रहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं अपने चैनल को ग्रो के वजह से, तो क्या बताए गाइस कि मेरा चैनल भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं हम परेशान रहते हैं कि गाइस ये मेरा पता नहीं व्यू नहीं जा रहा, चैनल नहीं चल रहा, क्या हो गया, मेरा सेटिंग गड़बड़ है, क्या नहीं क्या है। और व्यक्तिगत को तो जाते हैं, मेरा नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेमेलाइज हो जाते, पर ऐसा बात नहीं, दिल में छमका रख के चलते। आप लोगों का सपोर्ट है ऑडियंसों के, तो फिर चलते रहना है और बनते रहना है और दिखने और दिखाने के कार्य में बने हुए रहना है। तो गाइस, मैं आप लोगों से सपोर्ट के जरिए मैं अपने घूमते फिरता और घूम फिर के अपने ये मेरा लाइफ स्टाइल ब्लॉग है जो कि हम अपना चलते रहते और देते रहते आप सभी के बीच में। तो गाइस, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने ना भूलिएगा। इस तरह का वीडियो मिलते ही रहते हैं और आप लोगों के बीच में देते रहते हैं गाइस। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा सा झूला झूलते हैं। अब फाइनल में झूले की ओर में चला है तो दिख सकते हैं कि हमारे भरत दा भी लेटे हुए झूला से आराम कर रहे हैं। दिख सकते हैं गाइस, जो कि खा पी करके अपना आराम कर रहे हैं। वातावरण है, अच्छी है, पर्वत है ऊपर में, पेड़ पौधे यहाँ का बहुत ही सुंदर, और सप्लाई वाटर भी लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं सारा सुविधा मिला हुआ, बैठने के, रहने के, खाने के, पीने की, तो बने हुए रहते हैं सभी गाय। और कहीं ना कहीं हम भी सोचे थे कि झूलेंगे थोड़ा सा और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे झूलते हुए। तो कहीं ना कहीं गाय देख रहे बंदा है, तो चलिए ये तो बुजुर्ग है, इसको रहने दीजिए। और हम थोड़ा आगे की ओर मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूँ मेरा कलाम चचा जो है कि फाइनली इसमें कुछ न कुछ लेके कुछ न कुछ इसको अगले साल ही इनको पिलर खड़ा किए। दिख सकते हैं गाइस, और जो कि आज देख सकते हैं कि इसका ज़मीन ही बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें कुछ करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरे चचा का अनुमान है कि गाइस इसमें हम मैरिज होल करेंगे और आराम से करेंगे, तो कोई चिन्हित नहीं है, इसको आराम से करना, भाड़ा थोड़ी ना देना है किसी को, अपना चीज़ है, अपना लगा रहा, जितने हैं माल उतने लगा रहे, अपना कर रहे धीरे धीरे। और देख सकते हैं कि अभी तो टंगना बना दिया है, पर पिलर खड़ा है, ज़मीन बना हुआ, पर छत का भी पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे छत भी, तो फिर इस ये होल में बहुत सुंदरता चीज़ बनेंगे दिखने को। तो कहीं ना कहीं ये सब सोच है और बने हुए हैं सभी गाइस कि अपनी ओर में कुछ बढ़ाने का, कुछ करने का तो लगे हुए है, तो होनी चाहिए लोगों के बीच में। तो आप सभी के बीच में भी थोड़ा सा दिखाते हैं का प्रयास करते हैं गाइस। तो गाइस, मैं चलते वाटर प्लांट की तरफ, देख सकते हैं कि मैं हमारे अंकल का जो वाटर प्लांट भी है जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पानी पिलाते, पार्टी वगैरह ऐसे ही नहीं चलते गाड़ी, प्लस अपने घर की ओर में जो कि पीने का जुगाड़ अपना चलता है, और जो कि अपना सारे गाइस यहाँ बैठते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ता है अदरवाइज वो ले जाते हैं पार्टी पल्टी। तो ये जो है कि अपने लोकल में है जो कि हमारे गोविंदपुर में ये रंग डिक्की ओर में, तो लोगों को सुविधा होती है तो होनी चाहिए,
हर व्यक्तिगत को यही चाहिए, थोड़ी सी सुविधा होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तभी ना लोग प्रयास करेंगे गाइस। तो फिर आप लोगों के बीच में चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।